अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के। हमारे पास माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है या इसके क्या क्या फायदे हैं हमारे पास। सो आपके बुक के मुताबिक चलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ग्रोथ में है कि हमारे पास ग्रोथ में माइटोसिस का क्या रोल होता है बेटा। सो टोटली वर्ड जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, माइटोसिस पे हमारे पास डिपेंड करता है। किस तरह हमारे पास ज्यादातर जितने भी हमारे पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारे पास क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से मैं आप इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। किस तरह मैं आपको बताता हूं बेटा, जब हमारे पास मेल और फीमेल हमारे पास कंबाइन होते हैं, मेल हमारे पास कंबाइन होते हैं किस चीज के साथ, फीमेल के साथ। सो मेल से हमारे पास किया जाता है बेटा स्पर्म और फीमेल से हमारे पास क्या जाता है, ओवा। जब ये दोनों हमारे पास कंबाइन होते हैं, व्हेन स्पर्म कम्स फ्रॉम मेल एंड ओवा कम फ्रॉम फीमेल, व्हेन बोथ स्पर्म एंड ओवा कंबाइन, सो इससे हमारे पास एक यूनिसेल्यूलर बन जाता है, एक सेल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जायगोट। जायगोट क्या है बेटा, जब हमारे पास मेल और फीमेल कंबाइन होते हैं तो मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा आता है, जिससे हमारे पास एक सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जायगोट कहते हैं। अब इसी जायगोट में हमारे पास बेटा माइटोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें हमारे पास माइटोसिस होता है, इससे हमारे पास इम्ब्रियो बनता है और फिर इसी इम्ब्रियो से हमारे पास एक फीटस बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है। सो इस मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास इसी जायगोट में माइटोसिस ना होता तो इससे इम्ब्रियो कैसे बनता था। जब एम्ब्रियो नहीं बनता था तो हम और आप किस तरह बनते थे बेटा। सो ग्रोथ टोटली डिपेंड अपॉन माइटोसिस, ये हमारे पास माइटोसिस पे डिपेंड करता है। ग्रोथ न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, यानी माइटोसिस में हम यानी ग्रोथ में हमारे पास नए सेल बनते हैं। इस तरह हमारे पास नए नए सेल बनते हैं, इससे दो बनते हैं, फिर इससे हमारे पास दो बनते हैं, फिर इससे हमारे पास दो बनता है और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। सो ग्रोथ के लिए अगर मैं सबसे पहले छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, या आप पहले छोटे थे हमारे पास जब बच्चे थे, अब आप टीनेजर के स्टेज में एंटर हुए हैं, लेट सपोज, तो आपने ग्रोथ किया है। ये ग्रोथ किस वजह से किया, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं, ज्यादातर सेल होते हैं एक्सेप्ट न्यूरॉन, वो हमारे पास क्या करते थे, डिविजन करते थे बेटा। सो हमारे पास ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन का होना बेटा मस्ट है, ये फर्स्ट बार। हमारे पास रिपेयरिंग ऑफ ओन आउट पार्ट, इसका मतलब ये है बेटा कि हम रोजाना अपने मुंह को धोते हैं या ब्रश करते हैं या अपने हाथों को धोते हैं बेटा। सो यहां पर जो सरफेस में हमारे पास डेड सेल्स मौजूद होते हैं या मेरे बॉडी के सॉरी माउथ के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं, इसको मैं शिट करता हूं, यानी जब मैं मुंह धोता हूं और मैं सलाइवा थूकता हूं, मैं थूकता हूं या मैं मेरे मुंह में जो पानी है उसको मैं थूकता हूं बेटा, सो इससे हमारे पास जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूसली गिर रहे होते हैं। अब अगर ये कंटिन्यूसली इसी तरह गिरते रहे तो ये हमारे लिए तो नुकसान की बात है, लेकिन नहीं, नुकसान की बात नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में या हमारे बॉडी के अदर पार्ट में ये सेल टोटली रिप्लेस होते हैं। ये ओल्ड सेल तो चलो गिर गए, इसकी जगह नए सेल बनते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट तो ये हुआ बेटा। सो ईच टाइम यू ब्रश यूअर टीथ, जिस तरह हम दांतों को ब्रश करते हैं बेटा, एंड रिंस यूअर माउथ, और जिस तरह या हम माउथ को धोते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डेड सेल बीइंग शेड इनटू यूअर सलाइवा, यानी जब हम थूकते हैं तो इसमें हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सेल गिर जाते हैं बेटा। दीज डेड सेल्स आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस बाय न्यू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी इसके रिप्लेस में हमारे पास क्या होता है, नए सेल बनते हैं माइटोसिस के जरिए, जिससे मैं और आप सर्वाइव कर रहे हैं बेटा। सो दूसरा इंपॉर्टेंट ये हुआ बेटा। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करते हैं या अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास जब डिवाइड होता है, अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें, सो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। सो
फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट, यानी एक ऐसा रिप्रोडक्शन। अब अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो इससे हमारे पास लास्ट में बच्चा बनता है, चाइल्ड बनता है या फीटस बनता है। अब ये चाइल्ड पैदा तो हुआ, लेकिन ये किस तरह पैदा हुआ कि हमारे पास मेल से ये एक गेमीट और फीमेल से ये अनदर गेमीट कंबाइन हुए, स्पर्म और ओवा हमारे पास एक्चुअली गेमीट है। सो एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे पास गेमीट्स कंबाइन होते हैं, इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बेटा ये हमारे पास हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका अपोजिट है, इसमें हमारे पास मेल और फीमेल के गेमीट्स कंबाइन नहीं होते। किस तरह, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है बेटा, एक बैक्टीरिया है। सो ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, ये डिवाइड होता है इसी तरह, ये डिवीजन करता है और इसमें हमारे पास, इससे हमारे पास दो बैक्टीरिया बनते हैं। सो अगर आप इस डिवीजन में देखें तो इसमें हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स कंबाइन नहीं हुए, तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जब हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो उस वक्त हमारे पास माइटोसिस के क्या फायदे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बडिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं। आपके बुक में ये दो वर्ड यूज किए गए हैं और फिर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि बडिंग क्या है या हमारे पास क्या है ग्राफ्टिंग क्या है। अलबत्ता बडिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन बट एक्सप्लेन किया है, लेकिन ग्राफ्टिंग के बारे में आपके लेवल पे नहीं है, वो 10th क्लास में है बेटा। हमारे पास अगर हम इसको डिस्कस करें कि बडिंग क्या होता है, सो लेट सपोज अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल ले ले तो ये लेट सपोज हमारे पास प्लांट है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल हमारे पास एक जगह पे कंबाइन होते हैं, इसी तरह आउट ग्रोथ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास ये प्लांट बॉडी इस तरह थी, अब इन्होंने आउट ग्रोथ कर दिया तो ये इसी तरह स्लाइटली निकल आए हैं। अब ये हमारे पास दूसरे स्टेप में थोड़ा लार्ज होता है, अब ये पहले इतना था अब यहां पर हमारे पास इतना है। सो ये हमारे पास फाइनली क्या होता है कि ये हमारे पास इससे गिर जाता है, सेपरेट होता है, और ये जब अर्थ पे गिरता है ये हमारे पास क्या है, सोइल है, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है सो इसमें हमारे पास इससे एक न्यू प्लांट बनता है बेटा। सो ये हमारे पास बडिंग है कि बडिंग में हमारे पास क्या होता है, एक बड बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं। फिर हमारे पास ये बड बड़ा होता है माइटोसिस के जरिए, उसमें इसमें चूंकि सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं सो ये बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, और फाइनली जब इससे ये हमारे पास जुदा होता है, सेपरेट होता है और सोइल पे गिरता है, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो इससे हमारे पास न्यू प्लांट बनता है एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये हमारे पास बडिंग का प्रोसेस है। अब ग्राफ्टिंग क्या है, ये लेट सपोज हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट को मैंने बेटा यहां पर काट दिया है, कुछ पार्ट मैंने काट दिया है। लेट सपोज बेटा अगर आप इस मार्कर को देखे बेटा, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास दूसरा प्लांट है, मैंने इसी इसके इस एक पार्ट को जुदा कर दिया, ये लेट सपोज हमारे पास प्लांट है और मैंने इस प्लांट के से ये पार्ट जुदा कर दिया। अब इस प्लांट का ये पार्ट मैंने यहां पर लगा दिया और इस प्लांट का ये पार्ट मैंने यहां पर लगा दिया, यानी हमारे पास शिफ्टिंग हुआ, एक प्लांट से मैंने एक पार्ट उठा लिया और उसको मैंने फिट कर दिया दूसरे प्लांट में। अगर आप इसको देखिए तो ये हमारे पास अब शिफ्टिंग हुआ है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट के कुछ पार्ट को, कुछ सेल को या कुछ टिश्यू को हम बेटा सेपरेट करते हैं और इसको फिट करते हैं इनटू अनदर। ये हमारे पास ब्लू मार्कर से मैंने बनाया है। अब इसमें ये ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारे पास ब्लैक है बेटा, ये ब्लैक। अब ये ब्लैक पोर्शन अब यहां पर इससे मैंने काट के इसमें फिट कर दिया है, तो ये हमारे पास ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जब मैं एक प्लांट से एक पार्ट को रिमूव करता हूं और उसी पार्ट को मैं दूसरे प्लांट में फिट करता हूं तो इसको मैं क्या कहता हूं बेटा, ग्राफ्टिंग।
अब अगर आप चाहे कि ये ग्राफ्टिंग हमारे पास ग्रो करे तो इसमें हमारे पास माइटोसिस होगा, तभी जाके ये ग्रो करेगा। इसमें जो हमारे पास सेल मौजूद है वो डिवीजन करेंगे, डिवीजन के थ्रू वो ग्रोथ करेंगे, उससे हमारे पास प्लांट बनेगा बेटा। सो ग्राफ्टिंग और बडिंग दोनों के लिए माइटोसिस का होना बेटा जरूरी है। लास्ट वन हमारे पास क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है बेटा, अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए और मेरा ये हाथ यहां पर जख्मी हो जाए, जख्मी हो गया, अब यहां पर जो सरफेस पे स्किन के सरफेस पे जो सेल मौजूद है अब वो शिट हो गए हैं, गिर गए हैं या हमारे पास डेट हो गए, सो अब इसकी जगह हमारे पास न्यू सेल माइटोसिस करते हैं और इसकी जगह न्यू सेल बनते हैं। सो हमारे पास रिन्यूअल होता है किस चीज का, सेल का, यानी जो सेल हमारे पास मौजूद है अब वो हमारे पास न्यू हो रहे हैं, और हमारे पास गिर गए डेट हो गए और इसकी जगह हमारे पास सेल या टिश्यू हमारे पास रिमूव होते हैं। या हमारे पास अगर हम लिजर्ड की बात करें तो इसका टेल हमारे पास ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ क्यों करता है बेटा, क्योंकि उसमें हमारे पास माइटोसिस होता है। सो ये हमारे पास बेटा कुछ सिग्निफिकेंस थी माइटोसिस के। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स अ लॉट। अपनी दुआओं में याद रखें।